वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों आपकी कुंडली में कुबेर योग का निर्माण हो चुका है, पैसा अब आपके जीवन काल में दौड़ कर आएगा। जी हां, रुपए पैसे और धन दौलत की बारिश होगी क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी आपकी कुंडली में आकर विराजमान हो गए हैं। अब दुनिया का कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई भी ताकत अब आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों भगवान कुबेर जी की महिमा ऐसी है कि किसी की भी जिंदगी छुट्टियों में बदल सकती है। भगवान कुबेर जी जिनके भी ऊपर मेहरबान हो जाते हैं उनकी टूटी फूटी किस्मत चमकका कर ही छोड़ते हैं। जी हां, और मैं यह बात यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, पूरी जांच परख करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। आज दोपहर 2:00 बजे के बाद देव दर्शन होने वाला है। जी हां, और यही वह देवता है जो आपकी किस्मत को हीरे के समान चमकने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपको हर एक प्रकार के सुख सुविधा मिलेगी। बता दे आपके ऊपर भगवान श्री कुबेर जी खुश हुए हैं। भगवान कुबेर जी अब आपके जीवन में खुशियों की घंटी बजाकर ही छोड़ेंगे। कृपया करके इसे मजाक में ना ले और ना ही हल्के में ले। दोस्तों अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, धन की देवी महालक्ष्मी और भगवान विष्णु जी ने दे दिए 5 बड़े शुभ संकेत। जी हां दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा खेल पैसों का ही है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जिस चीज की तलाश बरसों से करते आ रहे थे वह चीज अब आपको मिलने का समय आ गया। अब आपकी भी किस्मत बदलेगी और एक झटके में वह सभी प्रकार की खुशियां आपके जीवन में भर देगी। दोस्तों अब आपकी किस्मत अपना जलवा दिखाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को एक बात बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस्मत को बदलने में जरा सा वक्त नहीं लगता है। यहां लोग रातों रात रंक से राजा बन जाते हैं और रातों रात राजा से रंक बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहता है, एक तरफ से आता है तो दूसरे तरफ से बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जिनके कर्म अच्छे हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं, भगवान उन्हें एक मौका देने वाले हैं और उन्हें मालामाल बनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हम आप सभी को बता दें कि आपको कोई भी चीज पर घमंड करने से बचना होगा, क्योंकि दोस्तों भगवान देना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि भगवान जब भी देती है छप्पर फाड़ के देते हैं और जब भी लेते हैं पूरा घर खाली कर देती है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें जो भी इंसान अपने जीवन काल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने जीवन काल में अब करें तो क्या करें, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज के इस जमाने में पैसा ही सब कुछ हो गया है, यानी एक प्रकार से यूं कहे तो इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वह है पैसा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस दुनिया के आज के जमाने में पैसा ही एक दूसरे से अलग कर रहे हैं और पैसा ही एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। यही पैसा किसी को रुला रहा है तो किसी को हंसा रहा है। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा इसके पीछे का राज। अगर आप समझ लेंगे तो दोस्तों आप कभी भी अपने जीवन काल में परेशान नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, देखिए दोस्तों सारा खेल कर्मों का ही है, लेकिन इंसान अपनी किस्मत और भगवान को दोष देते हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जिनके पास अभी बहुत ज्यादा पैसा है वह अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पिछले किए गए कर्म अच्छे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, भगवान पर भरोसा किए हैं, उसी अच्छे कर्म और मेहनत का फल है, तभी तो वो आज के इस दौर में ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपकी भी किस्मत बदलेगी, लेकिन दोस्तों आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, खुद के किए गए कामों पर भरोसा रखना होगा। भगवान महादेव जल्द ही आपके भी किस्मत बदलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपने भी पिछले समय अंतराल में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन दोस्तों वह समय अब आपका आने ही वाला है। बस आपको धैर्य रखना होगा और अपने सब्र की बांध टूटने नहीं देना होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यह समय से आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है।
कौन सी गलतियों को करने से आपको बचना है, ताकि दोस्तों भगवान आपसे नाराज ना हो और भगवान जो आपको देना चाहते हैं वह आपको अच्छे से मिल सके और इनका आप अच्छे से लाभ उठा सके। इन सभी की जानकारी हमने आज की इस वीडियो में विस्तार से बताया है। इन्हें अगर आप अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आज आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वह सभी खास बातें, लेकिन उससे पहले मां लक्ष्मी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। और दोस्तों जिनके दिल में श्रद्धा है, जो सच्चे दिल से माता रानी को मानते हैं, वही लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। इससे दोस्तों मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में सदैव बना रहेगा। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट जीवन में नहीं आएगी। लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन उनका धन्य हो जाएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। ईश्वर महान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। दोस्तों आज आपके घर में खुशियां दस्तक देने वाली है। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें आपकी कुंडली में कुबेर धन योग का निर्माण हुआ है। दोस्तों आपकी कुंडली में दो राज्यों और धन योग का निर्माण हो रही है। आज आपकी कैरियर से रिलेटेड, कैरियर से संबंधित कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। कामों में जो लाभ आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा था, जो सफलता आपको नहीं मिल पा रहा था, वह लाभ अब आपको मिलने वाला है। आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है और आप साझेदारी में किसी डील को फाइनल कर सकते हैं। आपके प्रियजनों से यदि संबंधों में कटुता आ गई थी तो वह दूर होगी और रक्त संबंधी रिश्तों पर आप पूरा जोर देंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आप अपने कामों को लेकर किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, नहीं तो आपके काफी काम लटक सकते हैं और आप अपनी आय को बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामलों में सावधान रहने के लिए रहेगा। आप किसी काम में उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आपके आवश्यक काम गति पकड़ सकते हैं। आपको विपक्षियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। माता पिता के आशीर्वाद से आप संतान के लिए किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। विद्यार्थी यदि किसी प्रतियोगिता में शामिल होंगे तो उसमें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से किसके बड़े लक्ष्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपको घर परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर अपने बड़े सदस्यों से बातचीत करनी होगी। आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप अपने कामों को समय से निपटा पाएंगे। आज का दिन आपके लिए भौतिक वस्तुओं पर फोकस बनाए रखने के लिए रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी पूरी आस्था रहेगी, लेकिन आपकी सुख सुविधाओं की वस्तुओं में इजाफा होगा। आपके करीबियों की तरफ आपका पूरा रुझान रहेगा। संस्कारों में परंपराओं पर आप पूरा फोकस लगाएंगे और अपने करीबियों के साथ आप कुछ पुरानी यादें ताजा करेंगे। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। यदि आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, लेकर आने वाला है। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आप सामाजिक कार्यों पर पूरा फोकस बनाए रखेंगे। आप अपने बिजनेस के लिए कोई आवश्यक जानकारी आसानी से जुटा पाएंगे। पारिवारिक विषयों पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। यदि आप किसी डील को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो वह फाइनल हो सकती है। आपको कुछ नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। माताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आप अपने वाणी और व्यवहार से कार्यक्षेत्र में लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। आपके बॉस भी आपकी बातों से प्रसन्न रहेंगे।
परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है, जिससे माहौल आनंदमय रहेगा। आपने यदि किसी को उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी लक्ष्य पर आप पूरा फोकस बनाए रखें, नहीं तो उसमें आपको कोई समस्या आ सकती है। आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। आपको संतान से उनके मन में चल रही इच्छाओं को जानने की कोशिश करनी होगी। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच बनाए रखें, नहीं तो आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। आप यदि किसी की मदद करेंगे तो लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा। बिजनेस में आप किसी के कहने में आकर धन का निवेश न करें, नहीं तो बाद में वह आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। आपके बढ़ते खर्च आपका सिरदर्द बनेंगे। आपको लोगों की नजरों को पहचानना होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा, तभी वह सफलता हासिल कर सकेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए एक के बाद एक खुशखबरी लेकर आने वाला है। शासन व सत्ता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, जिसके कारण आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे। लेकिन यदि आप नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। श्रेष्ठ कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे और आपको कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी से बेवजह ना उलझें, नहीं तो इससे आपको समस्या हो सकती है। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा, कला कौशल में सुधार लेकर आएगा, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे, आपके सोचे समझे सभी काम पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी आय बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे। व्यवसाय में आपको छुटपुट लाभ के अवसरों पर ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। किसी नए काम की शुरुआत करने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आपके कामों में कुछ अवरोध आ रहे थे तो वह दूर होंगे। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिल सकती है। आप अपने कामों को पूरा करने में पूरी मेहनत करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अध्यात्म का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी पूरी आस्था रहेगी। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आप बहुत ही सूझबूझ से अपने कामों में आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आपने अपने कामों को छोड़कर दूसरों के कामों पर ध्यान लगाया तो इससे आपके काफी काम लटक सकते हैं। आप अपने कामों में किसी अजनबी से सलाह ना लें, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। परिजनों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको कामों में जल्दबाजी दिखाने की आदत से बचना होगा, नहीं तो इसमें आपसे कोई गलती होने की संभावना बनती दिख रही है। देखिए दोस्तों, आज आपको करना क्या है? करना यह है कि एक दूसरे से बातचीत करते समय अपने शब्दों पर संयम रखें। जी हां, खासकर बातचीत करते समय आपके मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिससे आपको बाद में समस्या हो। वैसे तो दिन काफी अच्छा है, भाग्य का साथ तो मिलेगा ही और धन की स्थिति तो काफी अच्छी रहेगी। फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, लेकिन आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जब आप एक दूसरे को रुपया पैसा या कोई अन्य चीज उधार दे रहे हैं तो क्योंकि सितारे कहते हैं आज आपके साथ धोखा हो सकता है या उधर दिया हुआ चीज आपको वापस मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। प्रेम के मामले में देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही उत्तम है। अगर आपस में दूरियां आ गई थीं, तो आप उसे दूरियों को आज के दिन समाप्त कर सकते हैं और पुनः आप दोनों में एकता ला सकते हैं। कई सारी विशेष घटनाएं और ऑफिस की पार्टीज आपके पाचन को खराब कर सकती हैं और फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर ईर्ष्या भी होगी।
अपने अंदर नकारात्मकता न आने दें। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप खुद भी नियमित वर्कआउट करके ऐसी ही सेहत हासिल कर सकते हैं। मिठाइयों और तैलीय खाने की मात्रा को कम करके आप अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं। आपके दिमाग में अब प्यार रोमांस का जादू छाया हुआ है, और अगर आप अकेले हैं तो अब आप गंभीरता से कोई रोमांटिक पार्टनर ढूंढना शुरू करेंगे। अगर आप पहले से किसी के साथ हैं तो यह सही समय है कि आप इस संबंध को अगले स्तर पर ले जाने या इसे खत्म करने के बारे में सोचें। इनमें से किसी भी स्थिति में संबंध के मामले में आज बड़े बदलावों की संभावना है। आज के दिन आपको अपने सहकर्मियों के साथ सतर्कता बरतनी जरूरी है। कुछ तर्क वितर्क और विवाद के कारण आपके दफ्तर का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए बेफालतू के बाद विवाद से अपने को बचाकर रखें। आज के दिन कुछ क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों से आपके विचार अलग हो सकते हैं। हालांकि धातु या कृषि उत्पाद में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप एक आशावादी व्यक्ति हैं और आज यह बात सबको जानने देने और इससे लाभ उठाने का दिन है। इससे आपकी छवि एक प्रेरणात्मक वक्ता की बनेगी, जिसकी कोशिश आप लंबे समय से करते आ रहे हो। समाज में आपके संबंध जिन लोगों के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं, उनके साथ भी आपके संबंधों में अब सुधार आना शुरू हो जाएगा। आज स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याओं से बच कर रहें। अगर आप समय पर ध्यान नहीं देंगे तो उपयुक्त सावधानी की कमी के कारण एक छोटी सी समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। अगर आप अब भी स्थिति संभाल सकते हैं तो आप भविष्य में किसी भी परेशानी से तो बच ही सकते हैं। घरेलू उपाय आजमाने की बजाय अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें। आपको अपनी डाइट में बदलाव करने भी जरूरी है। आज आप सामाजिक होने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप ऐसे किसी आदमी की ओर आकर्षित होंगे जिसकी प्राथमिकताएं और रुचियां आपसे मेल खाती हैं। इस नए रोमांटिक साथी के साथ आप बेहद खुश महसूस करेंगे। हालांकि कुछ समय के बाद आपको यह सब बकवास लगने लगेगा और आप इससे बाहर आना चाहेंगे। अभी अकेले होने के इस दौर में अपने पार्टनर को प्यार करने के बेहतर तरीकों के बारे में सोचें। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भ्रमित है और काफी समय से कुछ प्रश्न आपकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। इससे पहले कि आप खुद पर अपने नए एक्सरसाइज कार्यक्रम या डाइट को लेकर अधिक सख्ती बरतें, पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो आप करने जा रहे हैं वह आपके लिए जरूरी भी है या नहीं। हो सकता है कि किसी और के तय किए हुए पैमानों के अनुसार कार्य करना आपके लिए फायदेमंद साबित ना हो। अब समय आ गया है कि और किसी के कहने पर चलने की बजाय आप खुद अपनी जरूरतों और अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम बनाएं। आज आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति से मेल मिलाप कर सकते हैं, यद्यपि यह व्यक्ति आपके प्रेम प्रासंगिक रिश्तों से हटकर होगा। वह व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या ऐसा मार्गदर्शन कर सकता है जिससे कि काफी लंबे समय से जो भ्रम और परेशानियां आपके जीवन में थीं, उन्हें दूर किया जा सकता है। इस जानकारी की मदद से आप अपना पहला कदम इन घावों को भरने में उठा सकते हैं। आज आपका वित्त और धन अस्थिर रह सकते हैं और आप अपने आप को नुकसान की स्थिति में पा सकते हैं, पर आप ज्यादा चिंता न करें क्योंकि यह एक छोटा नुकसान हो सकता है। सतर्क रहे, आपका परिवार हमेशा आपके साथ है और आपके बचाव में खड्डी डी दिया है। आप बहुत जल्दी इस घाटे को पूर्ण करने में सक्षम हैं। यदि आप एक व्यवसाय में हैं तो आपके लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए आपके कर्मचारी आपके साथ हैं। आप उनके साथ विनम्र रहे और समय आने पर उन्हें उचित इनाम दें। आज सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहरे से सोचे बिना जोखिम ना उठाएं। असावधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ हो सकती है। आपकी सेहत काफी अच्छी लग रही है। आज अपना मनपसंद खाना खाकर आनंद लें। शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें। कोई अप्रत्याशित तथा अचानक नुकसान हो सकता है। आज कहीं यात्रा करना सुरक्षित नहीं होगा, विशेषकर जो लोग इसी प्रकार के कामों या नौकरी में हैं, बहुत अधिक सावधान रहें। आज का दिन आपका लिए बहुत खास रहेगा क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार प्यार को आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर देख पाएंगे, जो आपस में बहुत प्यार करते हैं।
वे अपने संबंध को किसी परंपरागत तरीके से कोई समारोह करके अगले स्तर पर ले जाना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके परिवार को इससे कोई परेशानी है तो आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं। आप कुछ मिलनसार नए लोगों या विदेशी प्रतिनिधियों से आज के दिन मिल सकते हैं। स्वतंत्र रूप से उन लोगों के साथ संवाद करें और जितनी उपयोगी जानकारी इकट्ठा कर सके करें, क्योंकि यह आपकी परियोजना के पूरा होने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। किसी भी विचलित करने वाले परिदृश्य से परेशान न हो जो कि आपके वरिष्ठ सहकर्मी ने आपके लिए बनाया हो। आज का दिन अपने जीवन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और अपनी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बांटने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप पिछले कुछ समय से आलसी महसूस कर रहे हैं और काफी सारा काम इकट्ठा हो गया है, आज अपने अंदर असीमित ऊर्जा अनुभव करेंगे जिससे आपके ये अधूरे काम संतोषजनक ढंग से पूरे हो पाएंगे। कोई नया काम शुरू करने के स्थान पर पुरानी और व्यर्थ हो चुकी योजनाओं को हटाने और बाकी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी समय उत्तम है। आज का दिन अपने स्वास्थ्य में सुधार और अपनी सेहत के लिए कोई दृढ़ संकल्प वाला कदम उठाने में बिताएं। आज आप काफी सख्त शारीरिक एक्सरसाइज वाली क्लास ज्वाइन या कोई डाइट शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह भी तय है कि आप चाहे जो सोचें उस पर आसानी से चल पाएंगे। आप मानसिक सेहत के लिए भी सांस की एक्सरसाइज तथा योग आदि कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आज कम होंगी और आप इससे काफी हद तक आराम महसूस करेंगे। ये समय अपने रिश्ते में सकारात्मक प्रकृति के बदलाव की योजना के लिए सही है। आप इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहल आपको करनी होगी। आप स्वाभाविक रूप से मितभाषी और शर्मीले हैं और इसी कारण आपका साथी आपकी सच्ची भावना को समझ नहीं पा रहा और अधर में है। बस अपनी दिल की बात सुने और सारा अविश्वास आपके रिश्तों से गायब हो जाएगा। काम करते हुए आप एक विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाते हैं, यह आपका सकारात्मक पहलू है और इस सप्ताह के अंत में आपका दृष्टिकोण मौद्रिक लाभ में बदलेगा। जोड़ तोड़ से बचें और जो भी करें ईमानदारी से करें। आपके काम की गुणवत्ता आपके काम की मात्रा के बजाय ज्यादा महत्व रखेगी। वफादारी स्वागत योगनीय होगी जो किसी भी मुश्किल स्थिति से आपको बाहर निकल देगी। आज का दिन आपके लिए अपनी वाणी में व्यवहार पर संयम बनाए रखने के लिए रहेगा। जीवन साथी से यदि आपसे किसी बात को लेकर नाराजगी चल रही थी तो आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे और उनके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर आ सकते हैं। आपके कई काम एक साथ हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्षेत्र में आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। बॉस आपके कामों की तारीफ करेंगे और आप नौकरी में बदलने के प्रयास भी कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर रहेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा, नहीं तो कुछ बीमारियां बढ़ेंगी। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आप अपने सहयोग से यदि कोई मदद मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी और आप टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करेंगे। आप अपनी माताजी से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपको महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार में किसी सदस्यों को नौकरी मिलने के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहेगा। आप अपने अनावश्यक खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे। आपकी आय तो बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके खर्च भी बढ़ेंगे जो आपको समस्याओं को बढ़ाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थी अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करेंगे और अविवाहित जातकों के लिए कोई बेहतर अवसर आ सकता है। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। अपनों से चल रही अनबन दूर होंगी। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार में लोगों के सामने आ सकती है। आपके कुछ काम बनते बनते रह सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे। आप किसी की बातों में ना आएं। आपके कुछ शत्रु आपको अपने कामों में फंसाने की कोशिश करेंगे। आपकी आय में भी वृद्धि होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप यदि किसी काम को करेंगे तो आपको उसमें अधिक मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही कोई सफलता मिलती दिख रही है।
नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको किसी गलती के लिए पछतावा होगा जिसके लिए आपको अपने बॉस से भी डांट खानी पड़ सकती है।